हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओडिया पुस्तक। आज आम पढ़ा नवम श्रेणीर पंचम अध्याय अनुश्रणी फाइव ए। गोटे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल एक वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अधा हेले यार गोटे बाहुर दैर्घ्य वर्ग क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य ठार 12 मीटर बेसी एवं अन्य बाहुर दैर्घ्य 12 मीटर कम हेले आयत क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर। से कौन कहला देख परिमिति कला बेले मुझे प्रथम जिनस कह प्रथम सबुबले गोटे चित्रटे आंक जहाँफल कि आमको करिया बहुत सहज हम चित्र नदी टी आमको कष्ट पाए। देख एटा कह गोटे वर्ग क्षेत्र आ गोटे आयत क्षेत्र। तो प्रश्न अनुसार कौन कही वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल आर क्षेत्रफल टी आयत क्षेत्र क्षेत्रफल अधा मान आर क्षेत्रफल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल ठार अधा एवं यार गोटे बाहुर दैर्घ्य वर्ग क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य ठार 12 मीटर बेसी आ गोटे 12 मीटर कम। तो यूँ आम तो जापारे 12 मीटर बेसी मानते कौन सी दैर्घ्य होती है निश्चय से निश्चय कौन हो दैर्घ्य होता मन कर वर्ग क्षेत्र बाहू को आम ए धरवा जदि ए धरवा तो आयत क्षेत्र गोटे बाहू दैर्घ्य के प्लस 12 आ गोटे हो माइनस 12 प्रस्तुति कौन 12 मीटर कम आयत क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय करने देख मन कर प्रश्न अनुसार लिखा लेट लिखिद मन कर कहीं लिख इंग्लीश लिखिद लेट वर्ग क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य ए ताहले तार क्षेत्रफल केते हबो वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल ए स्क्वायर। देख वर्ग क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य केते हला ए आ वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल हो गला ए स्क्वायर। से भलिया हबरे त प्रश्न अनुसार लिखिबो ही भलिया प्रश्न अनुसार आयत क्षेत्र क्षेत्रफल केते कहिछि आयत क्षेत्र क्षेत्रफल कहिछि वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अधा आयत क्षेत्र क्षेत्रफल एक वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अधा ताले एठी लिखि हबो आयत क्षेत्र क्षेत्रफल फॉर्मूला कौन ए इंटू बी। ताले देख आयत क्षेत्र क्षेत्रफल फॉर्मूला हमर कौन था दैर्घ्य गुणन प्रस्त दैर्घ्य टी किए अच्छे दैर्घ्य कौन प्रश्न अनुसार आयत क्षेत्र क्षेत्रफल लिखिद डायरेक्ट आयत क्षेत्र क्षेत्रफल इक्वल टू के अच्छे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल कही आमर वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अधा तेल टे लिखिहब कि आयत क्षेत्र क्षेत्रफल इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू आयत ए स्क्वायर बाय टू कहीं लिखिली बिकज ये कही कौन वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अधा वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल के बाहर वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल आम बाहर करते ए स्क्वायर तेल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल के बाहर ए स्क्वायर बाय टू मैंने तार अधा मान कौन बाय टू आयत क्षेत्र क्षेत्रफल फर्मुला कौन दैर्घ्य गुणन प्रस्त ये दैर्घ्य के अच्छे ए प्लस बार प्रस्त के अच्छे ए माइनस बार तेल ये लिखी हम ए प्लस बार इंटु ए माइनस बार इक्वाल टू ए स्क्वायर बाय टू दैट इम्प्लाइज एटा है ए प्लस बी ए माइनस बी तार फर्मुला कौन हो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वाल टू ए स्क्वायर बाय टू तेल दैट दैट इज इक्वाल टू ए स्क्वायर माइनस 144 इक्वाल टू ए स्क्वायर बाय टू तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे टूटा ये हरा है इपटे गुणा होटी मुझे लिखी दैट दैट इज इक्वाल टू सॉरी दैट इम्प्लाइज टू ए स्क्वायर टू 88 तेल स्क्वायरटा एपटे प्लस अच्छे एपटे आगे कहीं माइनस ए स्क्वायर इक्वाल टू 0 दैट इम्प्लाइज टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर गला रहा के स्क्वायर इक्वाल टू 288 माइनस अच्छे सेपटे गले कहीं प्लस हो 288 देख आमर स्क्वायर पाइल 288 तो 288 के बाहर वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल तो ये आम कौन यहाँ है आम वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल तो क्वेश्चन आंसर कौन कही बाहर करने आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर करने आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर कर देखिए आयत क्षेत्र क्षेत्रफल कौन थी वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल बाय टू तो वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल के 288 बाय टू दैट इज इक्वल टू 144 कौन बुझीपार यहाँ है आम आंसर तेल देख प्रथम कौन बाहर कली प्रथम प्रश्न आयत क्षेत्र क्षेत्रफल के बाहर कली ए स्क्वायर बाय टू कहीं आम वर्ग क्षेत्र बाहू को नहीं ए वर्ग क्षेत्र बाहू जब ए हम तेल आम क्षेत्रफल हम ए स्क्वायर तेल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर के स्क्वायर बाय टू तेल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल फर्मुला कौन दैर्घ्य गुण प्रस्त ये दैर्घ्य है ए प्लस बार प्रस्त है ए माइनस बार दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू बिकज आम यहाँ बाहर करते तेरे इक्वेशन सल्व करा द्वारा मुझे ए स्क्वायर इक्वाल टू 288 मिलगला जब ए स्क्वायर आज इक्वाल टू 288 मिलला तो ए स्क्वायर कौन ए स्क्वायर था वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल यहाँ था कौन आम वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल जब वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल 288 होती है आयत क्षेत्र क्षेत्रफल के वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अधा मानने 288 अधा दैट इज इक्वल टू 144। नेक्स्ट क्वेश्चन कही 4 नंबर क्वेश्चन कही कौन गोटे घर चारिकांथर क्षेत्रफल
540 वर्ग मीटर एवं कांथर उच्चता 10 मीटर हेले घरर दर्घ्य प्रस्तर अनुपात 5:4 हेले चट्टाणर क्षेत्रफल निर्णय कर। से कहिछि कोन घरर चारिकांथ घरर चित्र गोटे करदे एटा होला घरर चारिकांथ मनेकर घर एटा चारिकांथ एवं चारिकांथर क्षेत्रफल से कहिछि 540 वर्ग मीटर तले चारिकांथर क्षेत्रफल केते कहिछि 540 वर्ग मीटर आ कांथर उच्चता केते कहिछि कांथर उच्चता कहिछि कांथर हाइट कहिछि केते उच्चता 10 मीटर एवं घरर दर्घ्य और प्रस्तर अनुपात है 5:4 देखिए लिखिदे दर्घ्य और प्रस्तर अनुपात के 5:4 ताले मन कर लेट दर्घ्य को आम नहीं जावा 5x आ प्रस्तर को नहीं जावा 4x करी बुझी जावा 4x आ कांथर उच्चता के हाइट उच्चता के मुझे इंग्लीश लिखी हाइट के 10 मीटर 10 मीटर कही चारिकांथर क्षेत्रफल के घर चारिकांथर क्षेत्रफल है 540 वर्ग मीटर चारिकांथर यहाँ एमती जदि घर हम एमती जदि आम करम घर यहाँ है गोटे यहाँ गोटे एपट रहा गोटे पछपटे दुईटा रे तो सी कही कौन दर्घ्यर यहाँ कही 5x कही प्रस्त कही 4x है हाइटा के हाइटा कही के हाइट कही 10 मीटर सरी हाइटा है 10 मीटर दर्घ्य है यहाँ मन करी ये हाँ दर्घ्य है 4x है 5x है चारिकांथर क्षेत्रफल केमी बाहर कर घर चारिकांथर क्षेत्रफल तुम चारिकांथ लिख चारिकांथर क्षेत्रफल के 2 × दर्घ्य गुणन प्रस्त सरी दर्घ्य मिश्रण प्रस्त गुणन उच्चता यहाँ आमर थी फर्मूला था 2 × दर्घ्य गुणन दर्घ्य मिश्रण प्रस्त दर्घ्य मिश्रण प्रस्त गुणन उच्चता बिकज दर्घ्य मिश्रण प्रस्त इंटु उच्चता तो आम क्षेत्रफल के बाहर कर दे से 540 वर्ग मीटर अलरेडी आम के क्षेत्रफल 540 वर्ग मीटर देख क्षेत्रफल आम फर्मूला कम पड़े 2 × दर्घ्य प्लस प्रस्त गुणन उच्चता किंतु क्षेत्रफल दे दीजिए के 540 वर्ग मीटर जदि तुम फर्मूल किसी कन्फ्यूजन हो मत कमेंट्स कहीदेव मुझे फर्मूला लिस्ट देदेवि जोटा कि तुम रूम्र कांथर चिकेदेव आते देखो से पढ़ सांगे सांगे तुम फर्मूलाटी मन रही क्षेत्रफल फर्मूला कौन कहला क्षेत्रफल 2 × दर्घ्य प्लस प्रस्त इंटु उच्चता 540 वर्ग मीटर तेल आम दर्घ्य के इम्प्लाइज 2 × दर्घ्य है 5x प्लस 4x इंटु उच्चता 10 मीटर दैट इज इक्वल टू 540 दैट इज इक्वल टू 9x इंटु 20 बिकज 2 × 10 कर 20 540 9x 20 गुण देते 180x इक्वाल टू 540 चलो x इक्वाल टू 540 बाय 180 83 कते 3 बाहर जब एक्स 3 बाहर ये मुझे तले न करके एक्स 3 बाहर तेल दर्घ्य के बाहर दर्घ्य बाहर आमर के 5x दैट इज इक्वल टू 5 × 3 15 एंड प्रस्त के बाहर 4x दैट इज इक्वल टू 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12 दर्घ्य आ प्रस्त आम पाइले दर्घ्य प्रस्त पाइले आम क्वेश्चन कौन कही चट्टाणर क्षेत्रफल निर्णय कर तो चट्टाणर क्षेत्रफल बाहर करने चट्टाणर क्षेत्रफल फर्मूला कौन हम चट्टाण चट्टाण मैंने केवल तलटा ये तलटी कही तलटी के दर्घ्य के 5x प्रस्त के 4x दर्घ्य था 5x 4x चट्टाणर क्षेत्रफल के बाहर क्षेत्रफल चट्टाणर क्षेत्रफल इक्वाल टू दर्घ्य गुणन प्रस्त दैट इज इक्वाल टू 15 × 12 इक्वाल टू 180 वर्ग मी सब वर्ग मीटर लिखु थोड़ा तुम सेंटीमीटर वर्ग मीटर भूल जाओ हाफ मार्क काटार संभावना अच्छी ये आम आंसर बाहरी गला तो देख बुझीपाल कौन दर्घ्य प्रस्त दे 5:4 देखिए 5:4 देखिए मुझे दर्घ्य को नहींगली 5x आ प्रस्त को नहींगली 4x हाइट आम अलरेडी उच्चता देखिए 10 मीटर ताल आम चारिकांथर क्षेत्रफल फर्मूला है 2 × दर्घ्य प्लस प्रस्त गुणन उच्चता कहीं 2 × दर्घ्य करार अच्छे 2 × प्रस्त कर उच्चता गुणार अच्छे दैट इज इक्वल टू 540 वर्ग मीटर अलरेडी क्वेश्चन देखिए इक्वेशन को सॉल्व करदे मुझे एक्स पाइली 3 यदि एक्स इक्वाल टू 3 बाहरी गला तो दर्घ्य हमर बाहरी गला के दर्घ्य बाहर 5x इक्वाल टू 5 × 3 15 एंड प्रस्त इक्वाल टू बाहर 4
इंटु थ्री दैट इज इक्वल टू 12। तो दैर्घ्य प्रस्थ पाइले जटा क्षेत्रफल कौन बाहर दैर्घ्य गुणन प्रस्थ जटा क्षेत्रफल इक्वल टू जहाँ गोटे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल से दैर्घ्य गुणन प्रस्थ इक्वल टू 15 इंटु पार दैट इज इक्वल टू 180 वर्ग मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख एटा आम 4 नंबर चला नेक्स्ट आम 5 नंबर टी करिया। 5 नंबर क्वेश्चन कहे गोटे वर्गाक्षेत्र वर्गाकार जमीर बाहर धाड़ को लगे 2 मीटर चौड़ार एक रास्ता अच्छे रास्तार क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर हेले जमीर क्षेत्रफल निर्णय कर। यह क्वेश्चन परीक्षा मन मुख्यतः आसी था कौन कही गोटे वर्गाकार जमी यहाँ है वर्गाकार जमी गोटे मन कर चारिपट लगी 2 मीटर चौड़ा ये गोटे लगी 2 मीटर चौड़ार गोटे रास्ता लगी वर्गाकार जमीर 2 मीटर चौड़ार गोटे रास्ता लगिकी अच्छी यार सब गोटे के 2 मीटर तेल रास्तार क्षेत्रफल से अलरेडी देदेगी रास्तार क्षेत्रफल देदेगी जदि ता सहित जमीर क्षेत्रफल निर्णय करने रास्तार क्षेत्रफल दे 416 मीटर चार प्रश्न कौन दे रास्तार क्षेत्रफल अलरेडी दे 416 वर्ग मी देदेगी 416 तेल आम बाहर करार अच्छे कौन देख ताले ये देख यो छोट वर्ग क्षेत्र मन कर आर बाहर दैर्घ्य है ए मध्य ए देख ताले ए जो बाहू अच्छे ए बाहर पटर जो बाहू अच्छे ताले ताहाटू केते अधिक रहिबो जो एठी देख ये केते अधिक रोचे 2 मीटर ताले एठू केते अधिक रोचे 2 मीटर ताले ए बाहूटी ए वर्ग क्षेत्र ए बाहूटी ताले एटार केते मीटर अधिक बिकज आर डिस्टेंस कह 2 मीटर आठ डिस्टेंस कह 2 मीटर ताले केते मीटर अधिक ए प्लस 4 4 मीटर अधिक ए मन कर जदि एठी 4 सेमी हबो मन कर जदि 4 सेमी हबो ताले एठी ए बाहूटी केते हबो ए जो छोटो एठी अछि ए बी सी डी एठी अछि मन कर ई एफ जी एच देख जदि ए बी बाहूटा जदि मन कर 4 सेमी हुए ताहाले ईएफ बाहूटी मनकर केते हबो ये एपटे 2 सेमी अधिक एपटे मते 2 सेमी अधिक कारण रास्ता दीपट साइड रे जाय छी ताले एठू मते 2 सेमी अधिक नेबी एठू 2 सेमी अधिक नेले ए प्लस 4 मनकर 4 सेमी जदि होतबो ताले ये केते हि जबो 8 सेमी हि जबो मनकर 4 सेमी नै छी ताले एठ लेखि हबो एठ दीटे वर्ग क्षेत्र रहला गोटे सान आ गोटे बड ताले मु लेखि दउ छी मनकर गोटे को ए बी सी डी को मने जाउ छी सान वर्ग क्षेत्र आ एटा को नै जाउ छी भलो सान लेखि दबो आपन हम देखियौ सुविधा हबो एटा हेगला ई एफ जि एच एटा अच्छे भितर अच्छे ए बी सी डी ताले देख ए बी सी डी वर्ग क्षेत्र बाहूर दैर्घ्य मन कर केते नै जाओ मन कर लेट मन कर ए ताहले ई एफ जि एच वर्ग क्षेत्र बाहूर दैर्घ्य केते हबो ए प्लस 4 तो देख यही पार्टर क्षेत्रफल आम बाहर करदबा आ ये बड़टार क्षेत्रफल बाहर कर दे कि मनकर ये टोटालटार बड़टार क्षेत्रफल आ छोटार क्षेत्रफल बाहर करें कहे कौन कहे आउे शुण ये छोटार क्षेत्रफल बाहर करदी आ बड़टार क्षेत्रफल बाहर करदी तर बड़टार छोटा को माइनस करदी तेल यही पार्टा बाहर जाए कि ना जमी आम सेट्रे करुले ये जिते आम माइनस करुले सेट को सेम जिन करुले से मनकर ये मनकर टोटाल अच्छे के ये टोटाल अच्छे 15 इटा यही जगार आम मनकर अच्छे 5 इटा जदि टोटाल अच्छे 15 इटा ये मझे जगह अच्छे 5 इटा जब टोटाल 15 इटा ये 5 इटा माइनस करदे 10 इटा बाहर जाए ना ये पोजिशन जो समय अच्छा से ही भाया तो प्रथम आगे करवा तो ए बी सी डी क्षेत्रफल बाहर करदे ए बी सी डी क्षेत्रफल ए बी सी डी क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर तुम जान ए इंटु ए दैट इज ए स्क्वायर से ही भाया ई एफ जि एच क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू ए प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर तुम चाहिए डायरेक्ट सॉल्व करके लिखिपार किमती भी आम रखीद सेमती था आगे खोलानी ताहले रास्तार क्षेत्रफल इक्वल टू रास्तार क्षेत्रफल कौन बाहर ए प्लस 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बुझीगला मुझे कौन कली रास्तार क्षेत्रफल कौन बाहर करी बड़टा जो चतुर्भुजर सरी बड़ जो वर्ग क्षेत्र जो क्षेत्रफल माइनस छोट वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल को माइनस करदे रास्तार क्षेत्रफल क्वेश्चन अनुसार रास्तार क्षेत्रफल
416 वर्ग मी दे देछि 416 वर्ग मी देछि 416 वर्ग मी दैट इज इक्वल टू एटा मु खोली दउ छी ए स्क्वायर रो जदि हले केते होबो ए ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फार्मूला पके देबा ए स्क्वायर प्लस 2 इनटू ए इनटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एटा गोटे रही गला एटा मध्ये माइनस ए स्क्वायर रहला दैट इंप्लाइज 416 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4 स्क्वायर केते 16 माइनस ए स्क्वायर ताले प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कटिगला तुम परीक्षा के काटबनि मु तुम देखे दौ केवल प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कटिगला देन दैट इंप्लाइज रहिला केते एटा 8a मु 8 को एपड़ को नै आइली 8a इक्वल टू 16 एठी प्लस अछि एपड़ आइले कोन हे जइबो माइनस हे जइबो 416 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 400 देख ये दैट इम्प्लाइज 8a इक्वाल टू 400 आम बाहर देन ए इक्वाल टू 400 बाय 8 दैट इज इक्वाल टू 50 ताले ए आमर 50 पाईगले ताले कही कौन बाहर करा जमीर क्षेत्रफल जमी मैंने कौटा आम भितर पर्सनटा भितर पर्सनटा आम जमी ताले जमीर आम गोटे बाहर दैर्घ्य के लिए ए बी सी बाहर दैर्घ्य ए जाता ताले जमीर क्षेत्रफल दैट इज इक्वाल टू लिखिदेव जो स्पेस ना जमीर क्षेत्रफल आम ये लिखिद लिखे दौचे हाँ देख जब जमीर क्षेत्रफल जमीर क्षेत्रफल कह ए इंटु ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बा 50 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2500 वर्ग मी आंसर बाहर 2500 वर्ग मी आंसर के 2500 वर्ग मीटर बाहर गला आम जमीर क्षेत्रफल नेक्स्ट देखा छः नंबर कही गोटे समकोणी त्रिभुजर भूमि दैर्घ्य गोटे समकोणी त्रिभुजर भूमि दैर्घ्य 44 मीटर हेले अन्य दुई बाहर दैर्घ्यर समष्टि अन्य दुई बाहर दैर्घ्यर समष्टि 88 मीटर हेले क्षेत्रफल निर्णय कर तले देख ए बी सी एक समकोणी त्रिभुज जोटि भूमि दैर्घ्य दे देछि 44 मीटर अन्य दुई बाहर वर्गर दैर्घ्यर समष्टि दे देछि 88 मीटर हेले क्षेत्रफल निर्णय कर ताले देख मनकर आपको आम कर्ण यहाँ मनकर ए सी को दे देछि कर्ण मनकर ए सी को आम नबा कर्ण कर्ण के कर्ण आउ लंबर मिश्रण कह 88 मीटर तो लिखा जाऊ लेट ए बी सी त्रिभु समकोणी त्रिभुज रे सॉरी समकोणी त्रिभुज रे कर्ण केते कर्ण को मन कर नेली एक्स जदि कर्ण एक्स हैला तार लंब केते हबो एठी कर्ण प्लस लंब थिला केते 88 मीटर कर्ण प्लस लंब थिला 88 मीटर तार लंब केते हि जइबो लंब हबो 88 माइनस एक्स बुझि गेला कोन कहली कर्ण प्लस लंब 88 मीटर होछि नै एक्स प्लस 88 माइनस एक्स एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स कटिगला कत रोज 88 रोज आंसर मैं ठीक अच्छे यहाँ तुम साधारण कथा समकोणी त्रिभुज में कर्ण को नहींगले एक्स तेल लंब के 88 माइनस एक्स कारण आगे दुईजक मिशाण फल है 88 तेल गोटे जदि एक्स गला अंटी के 88 एक्स फेटीदे बाकी रहा जी से तार भूमि अलरेडी दे 44 मीटर ताल आम गोटे फर्मुला जानचु पाइथागोरस थ्योरम अनुसार पाइथागोरस थ्योरम अनुसार एच स्क्वायर इक्वाल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच इक्वाल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर दुटा जिनस जानते लिखिहब कि इम्प्लाइज एच के एक्स इक्वाल टू एक्स र स्क्वायर मुझे लिखिदे एक्स र स्क्वायर इक्वाल टू पी र स्क्वायर मैंने के पी दे 88 माइनस एक्स र स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने 44 र स्क्वायर दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर मैंने कौन सरी एक्स स्क्वायर है दैट इज इक्वाल टू 88 माइनस एक्स र स्क्वायर 88 माइनस एक्स रो स्क्वायर मैंने के हम ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बुझीगला प्लस 44 रो स्क्वायर तो 44 रो स्क्वायर के कैलकुलेशन करदे 1936 तो 44 रो स्क्वायर के 1936 दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वाल टू 88 रो स्क्वायर तो 88 रो स्क्वायर जब आम कैलकुलेशन मारिद 88 इंटू 88 करदे 88 इंटू 88 64 तो डायरेक्ट है के डायरेक्ट लिखिदे 7744
माइनस माइनस टू इंटु एट आपको गुणीदेव दुई इंटु अठाशी गुणिले के हम वन सेवेन्टी सिक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन नाइन थ्री सिक्स देख तेरे प्लस एपटू पलै आसू एक्स स्क्वायर गोटे पटु एक्स गोटे पट को पूर्ण संख्या नहीं आसवा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर अलरेडी अच्छे प्लस एक्स स्क्वायर एपटे माइनस एक्स स्क्वायर वन सेवेन्टी सिक्स अच्छी एपटे प्लस वन सेवेन्टी सिक्स एक्स दैट इज इक्वल टू आपको आपको मिसाइ दि ये मिसला के सेवेन सेवेन फोर फोर प्लस वन नाइन थ्री सिक्स को मिसाइद मिसाइद हो गला नाइन सिक्स एट जीरो दैट इम्प्लाइज प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटिगला वन सेवेन्टी सिक्स एक्स इक्वाल टू नाइन सिक्स एट जीरो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वाल टू नाइन सिक्स एट जीरो बाय वन सेवेन्टी सिक्स दैट इज इक्वाल टू आपको यदि आम काटिद काटिद नाइन सिक्स एट जीरो बाय वन सेवेन्टी सिक्स दैट इज इक्वाल टू फिफ्टी फाइव जदि एक्स फिफ्टी फाइव होगा तो कर्णर दर्घ्य फिफ्टी फाइव पाईगले लंब लंब के एट एट माइनस फिफ्टी फाइव दैट इज इक्वल टू थर्टी थ्री ताल आम पाइले कर्णर दर्घ्य सरी लंबर दर्घ्य थर्टी थ्री थ्री पाईले कर्णर दर्घ्य फिफ्टी फाइव पाईले आंसर कौन था कम बाहर करने क्षेत्रफल निर्णय कर त्रिभुज क्षेत्रफल बाहर करने समकोणी त्रिभुज क्षेत्रफल फर्मूला कौन ये लिभे करदे तुम्हें अलवेज तले कर जेहेतु मोर स्पेस कम तेणु मुझे आडजस्ट करके बाध्य होउछि देख समकोणी त्रिभुजर समकोणी त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू हाफ इंटु भूमि इंटु उच्चता यह भूमि इंटु उच्चता पी इंटु बी सॉरी मु हाइट भूल लिखली तो हाफ इंटु उच्चता मैंने हाफ इंटु भूमि के चौरास इंटु उच्चता के थर्टी थ्री दैट इज इक्वल टू काटे ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इंटु थर्टी थ्री इज इक्वल टू सेवेन टू सिक्स वर्ग मी आंसर आमर बाहरी गला तो यह आमर समकोणी त्रिभुजर छ नंबर टी आम सरी जाइए नेक्स्ट देख सात नंबर कही कौन से एक समकोणी त्रिभुजर समकोण संलग्न बाहुदेहर यथाक्रमे पैंचाश षाठी सेमी हेले प्रति अंकित लंबर दर्घ्य निर्णय कर देख ये गोटे समकोणी त्रिभुज कही सब चित्र कर चित्र के भूलन करने गोटे समकोणी त्रिभुज ए बी सी समकोण संलग्न बाहुदेह यथाक्रमे पैंचाश षाठी सेमी दे किए किए से पैंचाश षाठी सेमी देटा है पैंचाश सेम ये षाठी सेम तुम जोटा भी नहीं चलो यहाँ आपको षाठी आपको पैंचाश ना किसी असुविधा नहीं चलो दे बाहर करा प्रति लंब तो बी रु गोटे लंब अंकन कराई बी डी क्या कर्ण को तेल यही कर्ण बी डी बाहर करवा आंसर आम कही कम करने बी डी फाइंड आउट करने देख तदि आम ये ए बी समकोण दुईट बाहू ए बी जदि पैंचाश सेमी आउ बी सी जदि सिक्सटी सेमी हुए तो कर्णर दर्घ्य पाई ए सी इक्वाल टू के सी इक्वाल टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी इज इक्वाल टू ए बी र स्क्वायर प्लस बी सी र स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वाल टू पैंचाश र स्क्वायर प्लस सिक्सटी र स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वाल टू पैंचाश र स्क्वायर के पैंचाश स्क्वायर टू जीरो टू फाइव प्लस सिक्स रक्वायर छःश छत्तीस रूट ओवर दैट इज इक्वाल टू फाइव सिक्स टू फाइव रूट ओवर दैट इज इक्वाल टू सेवेन्टी फाइव सेम देख फाइव सिक्स टू फाइव रूट ओवर जब रूट ओवर बाहर करा शिखे ना मतलब कमेंट्स कर सेपरेट वीडियो करदेवी बिकज से तुम मतलब लगुच तुम रूट ओवर बाहर करा शिखी थो तेणु मुझे बेस एक्सप्लेनेसन करूँ मुझे डायरेक्ट आंसर को फॉलो करके तुमको कहीदेली फाइव सिक्स टू फाइव इक्वाल टू सेवेन्टी फाइव सेम आम ये तेल कर्णर दर्घ्य मतलब केते पाईगले सेवेन्टी फाइव जब कर्णर दर्घ्य सेवेन्टी फाइव मिलगला तापर देख ये गोटे यही पार्ट को देख ना यहाँ गोटे जो लंब अंकन कर ये भी गोटे नब्बे डिग्री ना निश्चय भाव में ये गोटे नब्बे डिग्री अटे जो नब्बे डिग्री कही आर बाहू आम जाणी ना तेल गोटे आम गोटे स्मल त्रिभुज ना जब आम जो लंब अंकन कर मनकर लंब को मुझे जाऊँ एक्स ये जो लंब अंकन हो डी लेट बी डी इक्वाल टू एक्स लंब को मुझे एक्स नहींगली
ତେଣୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆମର ଥିଲା କ'ଣ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ବା ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ବି ଡି ବା ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣବତୀ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଫର୍ମୁଲାଟି ଥିଲା। ଯଦି ଏଇଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ 75 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ, ଏସି ହେଲା କେତେ ଦେଇଛି 75, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ବାହାରିଲା 75/2 ଏକ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇଗଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା କ'ଣ, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦେହର ଗୁଣଫଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା କ'ଣ, ସମକୋଣୀ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦେହର ଗୁଣଫଳ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ବି ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 45 ଇଣ୍ଟୁ 60, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 1350 ବର୍ଗ ମି। ଦେଖ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିବ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତମେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ପକା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ତାହେଲେ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇଥିଲି କ'ଣ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ କର୍ଣ୍ଣପତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ବିଡ଼ି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 75/2 ଏକ୍ସ ବାହାରିଥିଲା। ତଳେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲି 1350 ବର୍ଗ ମି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଜଣ ସମାନ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 75/2 ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1350, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1350 ଗୁଣନ 2/75। ଓଲଟେଇ ଦେଲେ, ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାଟିଦେଲେ 18 36 ସିଏମ୍ ବାହାରିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପାଇଗଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମର ଏକ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଗଲେ, ଲମ୍ବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36 ସିଏମ୍, ଏଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 7 ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 8 ଦେଖିଛି, ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2 ବଢ଼ାଇଦେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 6√3 ବର୍ଗ ମିଟର ବଢ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ, ସମବାହୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହା ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ, ଯାହାର ଯଦି ଆମେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2 ବଢ଼େଇଦେବା, ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 2 ବଢ଼େଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 6√3 ବଢ଼ିଯାଏ, 6√3 ବଢ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ମନେକର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଏ ଏ ନେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ବାହୁକୁ ଏ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ 2 ବଢ଼େଇ ମାନେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ବଢ଼େଇ ମାନେ ଏ ପ୍ଲସ୍ 2, ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜର କେତେ ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ଲସ୍ 2, ଯେହେତୁ 2 ବଢ଼େଇଛି, ଛୋଟ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରକୃତ ତ୍ରିଭୁଜର କେତେ ଥିଲା ଏ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା, ଆକୁ ଦେଇଦେଉଛି ନାମକରଣ କରିଦେଉଛି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ। ତାହେଲେ ମନେକର ଲେଟ୍ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର, ଲେଟ୍ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଏ, ତାହେଲେ ବଢ଼ିବା ପରେ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, ବଢ଼ିବା ପରେ ତାର କେତେ ହେଇଗଲା, ଯଦି ବଢ଼ିବା ପରେ କେତେ ହେଉଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ 2। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଏ ବି ସି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିବ, ଆମ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସ୍କୋୟାର, ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିଏ ଏ ର ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା √3/4 ଏ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଡି ଇ ଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିବ, ଡି ଏଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିବ, √3/4 ଏ ପ୍ଲସ୍ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଏତିକି ଥାଉ। ଦେନ୍ ସେ କହିଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ 2 ଯଦି ଆମେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, 2 ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା,
क्षेत्रफल आमर बढ़ी जाऊला सिक्स थ्री रुट थ्री सिक्स थ्री रुट थ्री बढ़ी जाऊला तेल एमती आम लिखा कि दुई श्रेणी बढ़ी सारापर ये आठ के अधिक सिक्स रुट थ्री अधिक बिकज आम दुई श्रेणी बढ़ई जहाँफल सिक्स रुट थ्री बढ़ी तेल आम यहाँ लिख इक्वेशन टे लिखी हम दैट इम्प्लाइज रुट थ्री बाय फोर ए प्लस टू द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स रुट थ्री बुझीगला मु कौन कहली जो बड़ा त्रिभुजर क्षेत्रफलर क्षेत्रफल इक्वल टू यही छोट त्रिभुजर क्षेत्रफल प्लस ये कल कहीं आठ रु ये अधिक जदि दुईटारु तीन बड़ पाँच तेल दुई प्लस तीन इक्वाल टू फाइव सेम जिनसाटी मुझे लिखाई डीएफ त्रिभुजर क्षेत्रफल इक्वाल टू ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल सहित सिक्स रुट थ्री प्लस करज अफ दैट ए बी सी त्रिभुजर क्षेत्रफल ठारू डीएफ त्रिभुज केत अधिक सिक्स रुट थ्री अधिक तेलटा जब मुझे इक्वेशन को सल्व करदेली के रुट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू टू प्लस टू र स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स रुट थ्री देन ये लिखी दूचे दैट इज इम्प्लाइज हो रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर प्लस रुट थ्री बाय फोर इंटू फोर ए प्लस रुट थ्री बाय फोर इंटू फोर इक्वाल टू रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स रुट थ्री बुझेगा कौन कली यहाँ मुझे सबुआटे गुणीदेली आठ गुणीदेली एटी गुणीदेली सबुटी मुझे गुणीदेली जहाँफल रुट थ्री ए स्क्वायर कटिगला ये फोर फोर कटिगला फोर फोर कटिगला दैट इज इक्वाल टू रुट थ्री ए प्लस रुट थ्री इक्वाल टू सिक्स रुट थ्री तेल रुट थ्री मिसीगले के टू रुट थ्री होगा देख ना रुट थ्री कमन नहीं आसवा दैट इम्प्लाइज रुट थ्री कमन ना के ए प्लस वन इक्वाल टू सिक्स रुट थ्री देन रुट थ्री ओहाड़ कटिगला ताहले रहिला के प्लस वन सिक्स दैट इम्प्लाइज दैट इज इक्वाल टू ए इक्वाल टू सिक्स माइनस वन कारण ये प्लस होपटे वन दैट इज इक्वाल टू फाइव तो ये ए बाहर दैर्घ्य के बाहर दैर्घ्य समवाय त्रिभुज बाहर दैर्घ्य पाँच सेम पाइल दैट इज आम आंसर दैट कली कौन देख आउ थे मुझे कहीदे लास्ट टिके जो बहुत स्लो देखा हेले तुमको कहला बेल नेक्स्ट टाइम रिविजन कर देख तुम्हें जापर देख समवाय त्रिभुजर बाहर दैर्घ्य मन कर ए बढ़ापर के बढ़ला ए प्लस टू तेल त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करवा क्षेत्रफल बाहर कले रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर रुट थ्री बाय ए स्क्वायर है तापर डीएफ मैंने बढ़ता जोटा बढ़ी सारापर त्रिभुजर क्षेत्र बाहर रुट थ्री बाय फोर ए प्लस टू स्क्वायर तापर कहली मुझे लिखिली कौन इक्वेशन टी रुट थ्री प्लस ए रुट थ्री बाय फोर इंटू ए प्लस टू होल स्क्वायर इक्वाल टू रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स रुट थ्री कौन पाई लिखिली कारण स्मॉल त्रिभुजर क्षेत्रफल ठारू बड़ त्रिभुजर बिग त्रिभुजर क्षेत्रफल छः रुट थ्री अधिका तेल स्मॉल टे जी सिक्स रुट थ्री मिसेदेवी तेल बड़ त्रिभुजर क्षेत्रफल सहित सामान हो इक्वेशन को मुझे सल्व कली कौन एटा ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मूला अच्छी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वाल टू जर लिखा कथा लिखिली नेक्स्ट पॉइंट कौन कली मुझे सल्व करने सहित ए स्क्वायर सहित आपको गुणीदेली ए स्क्वायर जब रुट थ्री बाय फोर गुणी तेल रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर है जदि टू ए ये टू इंटु टू के फोर ए इंटु थ्री फोर रुट थ्री बाय फोर फोर ए इंटु सरी रुट थ्री बाय फोर इंटु फोर एपर टू रक्वायर के फोर तेल रुट थ्री बाय फोर इंटु फोर ये अच्छे रुट थ्री बाय फोर इंटु फोर दैट इज इक्वल टू जहाँ ये जहाँ थी से लिखागला उपाय रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स रुट थ्री हो सारापर ये रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर रुट थ्री बाय ए स्क्वायर बाय सरी रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर एपटे रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर सामान एपट दुईपट कटिगला जब दुईपट कटिगला नेक्स्ट आसला के फोर को फोर कटिगला ये फोर फोर कटिगला रहा खाली के रुट थ्री बाय ए रहा प्लस रुट थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स रुट थ्री देन दैट इम्प्लाइज जब रुट थ्री ये कमन नहीं आसे रोक ए
प्लस वन ए प्लस वन दैट इज इक्वल टू सिक्स रूट थ्री देन ए प्लस वन दैट इज इक्वल टू सिक्स देन इम्प्लाइज ए इक्वल टू सिक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू फाइव। नौ नंबर कहे गोटे समबाह त्रिभुजर प्रत्येक बाहर दैर्घ्य दुई सेमी कमाईदे जो क्षेत्रफल षोह रुट थ्री वर्ग सेमी कमी जाए प्रत्येक बाहर दैर्घ्य निर्णय कर सेम क्वेश्चन अच्छे से बढ़ेदे होता है ये कमीदे हम तो मो चित्र कटूनी डायरेक्ट मुझे लिखुची मनेकर समबाह त्रिभुजर बाहर दैर्घ्य ए सेमी मनेकर समबाह त्रिभुजर बाहर दैर्घ्य ए सेमी ताले क्षेत्रफल केते बाहर क्षेत्रफल आमर बाहरी गला रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर आ बढ़ीबा परे सॉरी कमीबा परे बाहर दैर्घ्य दैर्घ्य दुई सेमी कमा गला ताहले बाहर दैर्घ्य केते हबो बाहर दैर्घ्य केते बाहर ए माइनस टू ताहले क्षेत्रफल केते हबो एपट कर दो चेठी क्षेत्रफल केते हबो रूट थ्री बाय फोर ए माइनस टू रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट थ्री बाय फोर इंटु ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर आपको बास ए माइनस टू रो होल स्क्वायर बदले स्क्वायर माइनस टू ए भी प्लस फोर तार से कही कौन जब आम इक्वेशन टी लिखिद जदि यही क्षेत्रफल ठार ये के सान ना ये सिक्सटीन रुट थ्री सान के सान सिक्सटीन रुट थ्री सान तेज इक्वेशन टी लिखी रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर दैट इज इक्वल टू रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन रुट थ्री बिकज आम ये जानते जदि यही क्षेत्रफल जी बड़ क्षेत्रफल जदि आम जो बड़ त्रिभुजटे ताठू जदि आम दुई सेमी लेखा कमई दुई सेमी कम द्वारा जीक बाहर से कते हम तो यू सिक्सटीन रुट थ्री कम हम तो यदि आठ सिक्सटीन रुट थ्री कमईदे तो यही त्रिभुज सहित सामान हम जब इक्वेशन सल्व कले गुणीदेली गुणला रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर माइनस रुट थ्री बाय फोर इंटु फोर ए प्लस रुट थ्री बाय फोर इंटु फोर दैट इज इक्वल टू रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन रुट थ्री सिक्सटीन रुट थ्री होगा देन ये रुट थ्री बाय फोर ये रुट थ्री बाय स्क्वायर फोर ए स्क्वायर कटिगला दैट इम्प्लाइज ये फोर कटिगला ये फोर फोर कटिगला रहा के माइनस रुट थ्री ए रहा माइनस रुट थ्री ए प्लस रुट थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन रुट थ्री जब उभय पार्श्व गोटे माइनस मल्टीप्लाय कर दे कि रुट थ्री कमन आणुच्छे दैट इम्प्लाइज रुट थ्री जब कमन भी नहीं आसे आगे देन रोचे माइनस ए प्लस वन दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन रुट थ्री सिक्सटीन रुट थ्री रुट थ्री कटिगले दैट इम्प्लाइज रहा के माइनस ए इक्वाल टू माइनस सिक्सटीन ये प्लस वन सेपट पड़े के माइनस वन दैट इम्प्लाइज माइनस ए इक्वाल टू माइनस सेवेन्टीन देन ए इक्वाल टू सेवेन्टीन बाहरी गला तो बाहर दैर्घ्य के पाईगला सेवेन्टीन यहाँ आमर है फाइनाल आंसर बुझीगला मुझे कले कौन बात सेठी बढ़ेली ये कमेली तेणु रुट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन रुट थ्री गले केते बाहर क्षेत्रफल आमर सान त्रिभुज सहित सामान हम तो सान त्रिभुज सहित इक्वाल करदेपर मुझे ये भैल्यू पाईगली सेवेन्टीन तो आम बाहर दैर्घ्य मन कर बाहर दैर्घ्य के नहीं थे ए नहीं थे इक्वाल टू सेवेन्टीन नेक्स्ट।